हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। इस सीरीज का मकसद है बच्चों कि रिवीजन अच्छी तरह से हो जाए, कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए। क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं उनके पास, तो वो कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए ये हम लोग शॉर्ट रिविजन दे रहे हैं। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीलेशन क्या होता है बच्चों? टू एंड फ्रो होता है। जैसे कि यहाँ पे झूला खेल रही है बच्ची, ये भी यहाँ पे पेंडुलम है ना, झूला खेल रहा भाई। तो चलिए फटाफट, जैसे कि पीरियडिक मोशन में जो मोशन रिपीट इटसेल्फ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑन अ सेम पाथ हो उसको पीरियडिक मोशंस कहते हैं। डेफिनेशन से यहाँ पे द एनी मोशन रिपीट इटसेल्फ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑन अ सेम पाथ इज कॉल्ड एज पीरियडिक मोशन। एग्जांपल मोशन ऑफ द मून अराउंड अर्थ दे सकते हो, ठीक है। ऑक्सीलेशन क्या है? जो मूविंग करता है बैक एंड फोर्थ रेगुलर, देखो बैक एंड फोर्थ इसी को ऑक्सीलेशन कहते हैं। स्विंग मशीन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप लोग कपड़े सिलाते होंगे तो इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में बच्चों हम लोगों को लीनियर एसएचएम क्या होता है, मैं सीधी बात नो बकवास, यहां पे स्प्रिंग दिख रही है, स्प्रिंग ऑक्सीलेशन कर रही है बच्चों यहां पे, ठीक है ना। तो जैसे ही फोर्स इधर लगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो अंदर एक फोर्स होता है और उस फोर्स का नाम होता है, कौन सा फोर्स है बच्चों? वो है रेस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स है बच्चों? रेस्टोरिंग फोर्स। यहां पे स्प्रिंग पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो कैसे लिखोगे? एफ बच्चों, मैं जो लगा रहा वो फोर्स नहीं है, वो जो जैसे कि मेरी चमड़ी खींचू तो एक अंदर फोर्स लगता है, उस फोर्स को रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। मतलब मैं खींच रहा हूं इधर और फोर्स, देखो मेरा खिंचाव इधर है और इसके अंदर एक फोर्स होता है जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो एफ इज इक्वल है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, तो एफ इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस के एक्स। बात समझ में आ रही बच्चों? कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, लेकिन न्यूटन का लॉ है एफ इज इक्वल टू एम ए, अगर एम ए डाल दू माइनस के एक्स होगा बेटा, तो ए माइनस के ये डिवाइड बाई एम चला जाएगा बेटा इंटू एक्स। ये ही है एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट अपोजिट डायरेक्शन। गॉट इट बच्चों? तो लीनियर एसएचएम के ऊपर सवाल आता है, ये छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, डिस्टेंस कवर्ड कितना कर रहा है पार्टिकल उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इस मार्कर को मैक्सिमम कहां तक फेंक पा रहा हूं, यहां तक, वो हो गया बेटा एम्पलीट्यूड हो गया। रेंज मतलब क्या है? हमारे पास ऑक्सीलेशन पड़ रहे बच्चों, तो ये लीनियर है, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन जैसे एक्स एक्सिस है, यहां मीन पोजिशन, ये एक्सट्रीम पोजिशन होती है बेटा पॉजिटिव और यहां पे निगेटिव एक्सट्रीम पोजिशन। बात समझ में आ रही? यहां से यहां मैक्सिमम यहां तक जा सकता हूं, इसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं, या इसको स्मॉल ए से भी दिखा सकते हैं, ये स्मॉल ए इधर जैसे पॉजिटिव की तरफ वैसे निगेटिव की तरफ, तो टोटल कितना अंतर हो गया बेटा निगेटिव टू पॉजिटिव 2a, तो इसी को पाथ या रेंज कहते हैं। पीरियड मतलब टाइम टेकन बाय कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने के लिए लगने वाला समय। इसका फार्मूला आपने रोटेशन डायनामिक्स में पढ़ा होगा, नहीं तो याद करो, टी इज इक्वल टू 2π/ω बेटा, ठीक है। ये डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशंस पर यूनिट टाइम, नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशंस पर यूनिट टाइम। बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से कर लेना, 2-3 मार्क के लिए हमेशा आते रहता है। बच्चों अभी अभी हमने आपको पढ़ाया एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, करेक्ट है, लेकिन न्यूटन का लॉ कहता है एफ इज इक्वल टू एम ए। वेल ए होता है बेटा वेलोसिटी चेंज होना, और वेलोसिटी है बेटा डी एक्स अपॉन डी टी, सही है बेटा, तो डी अपॉन डी टी, समझ में आ रहा है आपको? इसका फार्मूला डी एक्स अपॉन डी टी। तो मुझे लगता है कि यहां पे हम लोग ए डी मल्टीप्लाई डी डी का स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन मिला है, ठीक है बेटा। तो कोई टेंशन है, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट अप करेंगे धीमे धीमे, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स बेटा, तो ए की वैल्यू मुझे पता थी, तो ये है एम, ये डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस के एक्स, समझ में आ रहा है? अगर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इसको मैं इधर लेके जाऊं तो ये होगा बेटा मल्टीप्लाई का डिवाइड एक्स, या ऐसे लिख सकते हो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, यहां पे के बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो, समझ में आ रहा है बेटा? यही डिफरेंशियल इक्वेशन है। यदि आपको ऐसा भी लिखना है और में, तो लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चों ये खुद करके देख लेना, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इसी से हम लोगों को वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन निकालना होता है। तो फटाफट निकालता हूं, अगला सवाल होगा
मैं यहाँ पे देखो यहाँ दिया वाला है आप लोगों को सवाल, तो मैं यहाँ 3 मार्क के लिए सवाल आता रहता है हमेशा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये याद होना चाहिए। लीनियर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बच्चों ये एक्सेलरेशन है, पता है अभी अभी मैंने निकाला था, ठीक है, बराबर है लिखा है बेटा। अभी ये एक्सेलरेशन हो गया, अब हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा? वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब होता है वी निकालना। तो इसी का डिफरेंशियल इक्वेशन फटक से करता हूं, अभी ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको आता है ऐसे कंसिडर करना, क्योंकि ये शॉर्ट रिविजन है बेटा। यहाँ पे हमारे पास एक चेन द रूल होता है, चेन द रूल में मैंने क्या किया समझ में आ रहा है, डीएफ डीएस को हटा दो तो डीवी बाई डीटी ही मिलेगा, है ना। तो ये होगा बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये वी इंटू डी वी, ये एक्स इधर जाएगा, समझ में आ रहा है, इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, तो ये होगा बेटा वी स्क्वायर बाय टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी इज अ इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट वैल्यू, समझ में आ रहा है बेटा, है ना, ये वी स्क्वायर बाय टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू। लेकिन हमने एक्सट्रीम पोजिशन मान के चल रहे हैं, पार्टिकल है, एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब होता है बेटा ये मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे आने के बाद वेलोसिटी कोई पार्टिकल की जीरो थी, इसलिए वापस आ रहा है बेटा। ये मार्कर वापस क्यों आ रहा है यहां जाके? क्योंकि इसकी वेलोसिटी जीरो हुई थी। ओके, तब बेटा एक्स इज इक्वल टू हमारे पास एम्पलीट्यूड होगा ए, ठीक है, अगर यहां पर रखते हो तो ये जीरो होगा, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर बेटा ए स्क्वायर बाय टू प्लस सी, है ना। अगर मैं सी यहीं रखू, ये इधर आए तो माइनस का क्या होता है? प्लस होता है, तो सी की वैल्यू मुझे प्लस मिल रही है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय, इस इक्वेशन को नाम देना चाहिए था वन, पुट इक्वेशन वन में करते हैं, पुट इक्वेशन वन, चलो वैल्यू पुट अप कर रहा हूं वी स्क्वायर बाय टू, है ना। मैं एक काम करता हूं बच्चों, इस सी की वैल्यू को पहले लिखता हूं क्योंकि वो प्लस वैल्यू है और ये माइनस है ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो इसीलिए बच्चों ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू, चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। तो टू टू कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो वी स्क्वायर, मैं ओमेगा स्क्वायर को बाहर निकल रहा हूँ, बच्चा है मेरे पास ये बेटा। ये पता नहीं है ना कि ये वेलोसिटी पार्टिकल की कहाँ की है, पॉजिटिव की तरफ है, निगेटिव की तरफ है, निगेटिव एक्सट्रीम पोजिशन होती है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे v का स्क्वायर किया प्लस माइनस ओमेगा रख सकता हूँ, समझ में आ रहा है। तो इसका रूट में होगा क्योंकि ये ब्रैकेट, बच्चे स्क्वायर 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 हटा देते नहीं, ये ब्रैकेट है बेटा, ब्रैकेट मतलब बॉर्ड मास होता है, कंचे भागु बेव नाम सुना, ठीक है, ये है बच्चों आपकी वेलोसिटी, समझ में आ रहा है, कोई टेंशन। अभी निकालेंगे बच्चों, हमारे पास है एक्सेलरेशन वेलोसिटी, अब डिस्प्लेसमेंट निकालते, कुछ नहीं यही इक्वेशन बेटा, इसी को dx by dt लेते हैं, v मतलब dx by dt, यहाँ पे ओमेगा प्लस माइनस रखने की जरूरत नहीं है, वो दिखाने के लिए किया था मैंने, समझे। x के टर्म एक जगह पे लाओ dx, तो ये x का ही टर्म है, तो a स्क्वायर अकेले को नहीं ला सकता ना, ये ओमेगा t इंटू dt, इंटीग्रेशन बहुत साइड करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो इसका इंटीग्रेशन होगा हमारे पास साइन इनवर्स x अपॉन a, और ये है ओमेगा t का इंटीग्रेशन ओनली t, और ये एक फाइव एक कांस्टेंट टर्म लिया है फाइव, समझे, जैसे सी लिखा था वैसे, इसका इंटीग्रेशन नहीं याद है तो करना पड़ेगा भाई। तो यक्स अपॉन ए, ये साइन इनवर्स का साइन होगा, अगर लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट जाता है तो पता होना चाहिए ये फाइव, तो यक्स इज इक्वल टू बेटा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये मुझे इक्वेशन मिल रहा है। इसके केसेस भी हो सकती है, अगर यक्स इज इक्वल टू आप जीरो पे हो, मीन पोजिशन पे हो, तो जीरो ये ए आएगा और टाइम भी जीरो बेटा, क्या लिखना है यहाँ पे लिखना चाहिए था ये एक्स इज इक्वल टू जीरो, टाइम भी स्टार्टिंग जीरो से कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ये होगा जीरो ए साइन यहाँ ओमेगा टी मल्टीप्लाई जीरो प्लस फाइव, तो अब ए डिवाइड आया तो जीरो ही होगा, ये साइन फाइव है, समझे, देख भाई ये ए कहाँ गया, डिवाइड गया था इसलिए जीरो, ये जीरो मल्टीप्लाई ओमेगा जीरो है, फाइव फाइव की वैल्यू निकालनी, फाइव कितना होने से जीरो मिलेगा सर, जीरो मतलब ये इक्वेशन मीन पोजीशन पे ए साइन ओमेगा टी, क्योंकि फाइव की वैल्यू मुझे जीरो मिल रही है बेटा, तो ये मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट है। सर एक्सट्रीम पोजीशन पे निकाल सकता हूँ?
हाँ सर, यक्स इज इक्वल टू ए रखना पड़ेगा और टाइम स्टार्ट जीरो, मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ वही मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपको पता है कि इसका डिस्प्लेसमेंट जो है मेन पोजीशन से ए है और टाइम स्टार्ट जीरो से कर रहा हूँ। इक्वेशन ही देखो, ए ए साइन ओमेगा मल्टीप्लाई जीरो प्लस फाइव, क्या हो रहा बेटा, ए इज अ वन, तो ये साइन फाइव, आपको पता है कि फाइव वैल्यू क्या रखने से वन मिलेगा 90, मतलब बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, फाइव की वैल्यू पाई बाय टू, तो आपको पता होगा कि यहाँ इक्वेशन साइन के जगह पे कॉस आएगा, क्यों, क्योंकि साइन थीटा प्लस 90 कॉस थीटा होता है, समझ में आ रहा है आपको, मतलब यहाँ पे आपको ये इक्वेशंस मिलना चाहिए। यहाँ पे डेरिवेशन है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मैंने वेलोसिटी सब कुछ निकाल के दिया, ये सब निकाल के दिया बेटा, हाँ टाइम के साथ वेरिएशन कैसे होता है, तो आपको तो पता है कि एक्स इज इक्वल टू ए इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, कोई टेंशन, वेलोसिटी क्या होता है बेटा डी एक्स बाय डी टी होता है, तो मैं फटाक से करके दे रहा हूँ, ए साइन का डेरिवेटिव कॉस होता बेटा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव होगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, टाइम के साथ ओमेगा, इसलिए ओमेगा आ रहा है, तो ये वेलोसिटी हो गया। एक्सेलरेशन क्या होता बेटा, डी वी बाई डी टी, सही है बेटा, तो डी बाई डी टी, वी का इक्वेशन मेरे पास ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, कोई टेंशन है, तो ए इज इक्वल टू कॉस का माइनस साइन होता है, ए ओमेगा ये माइनस साइन था, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर, बस ये टाइम के साथ वेरिएशन से बच्चों, ये वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ठीक है, फटाफट आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी थोड़ा सा कंडीशन आप लोगों को देखना पड़ेगा यहाँ पे, एक्सट्रीम पोजिशन पे क्या है। ओके, ये डेफिनेशन है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल प्रमिट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, पीरियड की भी डेफिनेशन बता दी मैंने, ठीक है ना, एक पीरियड का फार्मूला मैं फटाक से निकाल के की कोशिश कर रहा हूँ, पीरियड का फार्मूला बेटा 2π/ω, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए लिया, मुझे बताओ ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हमारे पास k/m था, करेक्ट है, लेकिन f इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड में kx है, एक्चुअली माइनस था लेकिन पता है आपको, तो k क्या होगा बेटा, f अपॉन x, चलिए तो ये f अपॉन x और ये m, f क्या बेटा m a डिवाइडेड बाय यम इंटू यक्स, यम से यम को हटवा दो तो ओमेगा स्क्वायर गया, तो ये रूट में आएगा बेटा ए बाई एक्स, ए क्या बेटा बताओ, ए है मेरे पास एक्सेलरेशन पर यूनिट यक्स, मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, मुझे लगता है कि पीरियड का फार्मूला पुटअप किया जाए, तो 2π ये रूट में लिख सकता हूँ बेटा, वे एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, दिखाई दे रहा है बेटा, ये पीरियड का फार्मूला, कोई टेंशन है, पीरियड का फार्मूला ये, ओके, फ्रीक्वेंसी इसकी उल्टी होगी, सिंपल सी बात है, नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशंस पर यूनिट टाइम, बस बाकी कुछ नहीं है, नहीं तो यहाँ पे निकाल देता हूँ बेटा, ठीक है, तो अभी अभी हमारे पास टी इज इक्वल टू 2π√ है ना एक्सेलरेशन ए बाय एक्स था, या ऐसे भी पीरियड रख सकता था मैं 2π⍵ रूट ऑफ के बाई एम, तो ये एम बाई के था, करेक्ट है ना बेटा, अभी अभी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ के बाई एम, तो के एम ऊपर गया, फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा करो बच्चों, फ्रीक्वेंसी एफ या एन से दिखाना चाहते तो 1/2π√ के इज द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है बेटा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चों, कॉम्बिनेशन, जिनको कैपेसिटर पता है उनको यह सब कुछ आएगा, मैं यहां पे इसका कोई डेरिवेशन नहीं, न्यूमेरिकल के लिए क्वेश्चंस आ सकता है इसका, इसलिए बता रहा हूं, कैपेसिटर में रेजिस्टेंस के उल्टा होता है या रेजिस्टेंस के उल्टा भी बोल सकते हो, अब मुझे बताओ ये सीरीज है तो सीरीज में उसके लिए फार्मूला था 1/kx, दो कॉन्स्टेंट है ये, समझे आप, अगर दो ही स्प्रिंग हो तो प्रोडक्ट ऑफ टू स्प्रिंग कॉन्स्टेंट डिवाइड बाय सम होगा, एक फार्मूला लागू होगा, और पैरेलल में तो सीधी बात, नो बकवास, ऐड ही करना है बच्चों आपको, सीधा सीधा ऐड करोगे, पैरेलल रहे तो ऐड करोगे, पैरेलल में तो कितने भी रहने, तो फिर k1 k2 ऐसे डैश k n तक लिख सकते हो, ठीक है, ये हम लोगों को क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल के लिए स्पेशल सेशन बनाने वाला हूँ मैं, तो उसका टेंशन मत लो, हाँ
जब भी रॉड बच्चों एक रॉड लेना है और उसको सर्कुलर मोशन में घुमाना है, जैसे कि अलोंग द वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक है। अभी मैंने एक रॉड ले लिया और इस रॉड को यहाँ रखा है, ऐसे इनिशियली यहाँ रॉड है जिसका एंगल जो भी होगा देखते हैं। अब ये रॉड मुझे वाई एक्सिस पे इसकी परछाई देखनी है, तो मैंने इधर से टॉर्च मार दी। जैसे ही टॉर्च मारोगे, टॉर्च उजाला, तो यहाँ इस पार्टिकल का यहाँ दिखेगा पॉइंट, मुझे लगेगा ये रॉड का यहाँ अंधेरा दिखेगा, ठीक है। दोबारा मैंने थोड़ा सा ऊपर लेके गया तो यहां अंधेरा दिख रहा है आपको, ओके। उसके बाद में अगर मैं इधर ला लू, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं इस रॉड को, तो यहां दिख रहा है, इधर से टॉर्च देखो, ठीक है। यहां पे आ गया तो ठीक है, बात समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है। यहां पे आया तो यहां अंधेरा दिखेगा, यहां पे आया तो यहां अंधेरा दिखेगा, समझ में आ रहा है आपको। मतलब पहले पार्टिकल ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, बाद में नीचे। अब दोबारा इधर लूंगा तो यहां अंधेरा दिखेगा, यहां तो यहां दिखूंगा, यहां तो यहां दिखेगा। मतलब पार्टिकल ऑक्सुलेट कर रहा है अलोंग द वाई एक्सिस। बच्चों इसी का डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है, तो सीधी बात नो बकवास, इनिशियली सीधी सीधा सीधा बता देता हूं। देखो इनिशियली मेरा कोई पार्टिकल यहां था, उसको हमने फाई बोला है, और इस पी से मेरा पार्टिकल पी नॉट से पी तक चला गया बेटा, पी से चला गया, बस समझ में आ रही है। तो वो था ओमेगा टी, तो टोटल एंगल कितना बन रहा है, ओमेगा टी प्लस फाई, वो इनिशियली वहां पे था। तो मैंने डाल दिया यहां पॉइंट, ये वाई है बेटा, इसको ओ, ये यम बोल रहा हूं मैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये थीटा है तो ये भी थीटा, और थीटा की वैल्यू आपको तो पता लगी है, ओमेगा टी प्लस फाइव बेटा, ठीक है ना, ओके। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकता हूं, और फ्रॉम द ट्राइंगल ऑफ यस ओ पी दिख रहा है आपको, नहीं ठीक है, अलग है क्या, ओपीएम है, ठीक है सॉरी बच्चों, ओ पी एम दिख रहा है एंगल। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस एंगल के अपोजिट साइड साइन थीटा निकालना पड़ेगा। अब बोलेगे सर क्यों निकाल रहे साइन थीटा, क्योंकि मुझे अलोंग द वाई एक्सिस इस पार्टिकल कितना ऊपर गया है वो देखना है, चेक करना है, ठीक है। तो अपोजिट है बच्चा यहां पे ओ एम, और हाइपोटिनियस मतलब ये है, ये रेडियस है, तो आर बोलना पड़ेगा मुझे को, ओपी। तो देखा जाए तो साइन थीटा को हमको बोलना है ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वाई और ये आर है, देखो ये वाई है ये आर है, तो वाई इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, कोई टेंशन है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोगों को वेलोसिटी निकालनी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब मुझे बताओ, आपने अभी अभी बोला कि सर ये पार्टिकल है मेरा, ये पार्टिकल यहां है, तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी ये है, बात समझ में आ रही है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी, कोई टेंशन तो नहीं है, ओके। अगर मैं मुझे ये एक्सिस पे देखना है इसका, ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसी को शिफ्ट, पैरेलल वेक्टर शिफ्ट कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, पैरेलल, ये वी यहां दिखाई, तो यहां एंगल बन रहा है बेटा, तो मुझे ये जो है, और इसका रिलेशन होता है V इज इक्वल टू आर ओमेगा, शायद आपको पता हो, तो यहां पे भी ये आर ओमेगा है, तो ये कंपोनेंट देखो, दो कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट है और एक ये है, ये अलोंग द एक्स एक्सिस है और ये अलोंग द वाई एक्सिस है। अब जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा होता है, तो इसलिए आर ओमेगा का कॉस थीटा कंपोनेंट है, समझ पा रहे हो। और अगर एक्स एक्सिस निकालना था तो मैं निकाल सकता था आर ओमेगा, सर ये साइड इसके अपोजिट है तो ये कॉस थीटा रहता, बात समझ में आ रही, लेकिन मुझे अलोंग द एक्स एक्सिस नहीं वाई एक्सिस पे निकालना है, और मेरे पास अलोंग द वाई एक्सिस है आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, समझ रहे, थीटा मतलब समझ में आ रहा है, कोई टेंशन तो नहीं, ये अलोंग द वाई एक्सिस कैसे आ गया पता लगा आपको। चलिए सेम टू सेम एक्सेलरेशन निकालते, ये डायग्राम यहां पे गलत है ये, ठीक है मैं डायग्राम बता देता हूं आपको, टेंशन मत लें, देखते ही है। पार्टिकल यहां है, ध्यान रखना बेटा ये एक्सेलरेशन होता है सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसके दो कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट।
हमारा एंगल यहां था, यहां यहां, जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा, तो ए ये अलोंग द एक्स एक्सिस, देखो एक्स एक्सिस को पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस से ए है ना, क्या होगा बेटा कॉस थीटा होगा, और ये जो कंपोनेंट दिख रहा है ये वाई एक्सिस को पैरेलल है, तो यहां पे लिख सकता हूं ए वाई ए साइन थीटा, लेकिन ए इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसका फॉर्मूला बेटा माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, तो अलोंग द वाई एक्सिस ये जो है मेरे पास ए साइन थीटा है, तो अलोंग द वाई एक्सिस माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये है अलोंग द वाई एक्सिस, कोई टेंशन तो नहीं, सिंपल सिंपल बातें बता रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा, अभी फेस क्या होता है, तो ये इससे फेस से हमको स्ट्रेट समझते कि हमारा पार्टिकल कहाँ है, जैसे कि मैं मान के चल रहा हूं यहां पे जो अलोंग द देखते हैं ये जीरो मीन पोजीशन बेटा, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, लेकिन ये निगेटिव है ये पॉजिटिव, हमारा पार्टिकल अगर मीन पोजिशन पे है तो कहां जा रहा है, एक्सट्रीम पोजिशन पोजिशन पॉजिटिव या नेगेटिव कहां जा रहा है पता तो करना पड़ेगा, या पार्टिकल यहां है ठीक है, इसकी पोजिशन पता लगे सर मीन और पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन के बीच में है, अगर 10 सेंटीमीटर है इसका अंतर तो 5 सेंटीमीटर में बीच में है, लेकिन उसका डायरेक्शन और कितने नंबर के ऑक्सुलेशन कर रहा है, झूला कितने नंबर का ले रहा है, समझे ना, ये झूला जो ले रहा है कितने नंबर का, तो बच्चों इसीलिए हमारे पास केसेस होती है, जैसे मैंने माना थीटा जीरो है तो तीन केसेस बताना, एक पोजीशन बताना उसकी पोजीशंस क्या है, नंबर दो इसका डायरेक्शन वेलोसिटी का डायरेक्शन बताना पड़ता है, और तीसरी चीज बताना पड़ती है पोजीशन डायरेक्शन और ऑक्सुलेशन बताना होता है, ठीक है बेटा। अब पोजीशन मीन पोजीशन बेटा थीटा जीरो है तो एम पी है, कहां जा रहा है तो हमेशा ध्यान रखना मीन पोजीशन से वो अगर स्टार्ट कर रहा है तो पॉजिटिव की तरफ ही जाता है, ऐसा फिजिक्स में माना है भाई, और ऑक्सुलेशन है फर्स्ट, ठीक है बात समझ में आ रही है। यहां पे केसेस दिवाले देखो, अगर 180 रहता तो मैं बताता हूं क्या होता, तो सबसे पहले पोजीशन पी मतलब पोजीशन बेटा वो मीन पोजीशन ही रहती, नंबर दो डायरेक्शन कहां होता बेटा, तो मुझे पता लगा कि डायरेक्शन बेटा ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजिशन, और तीसरा ऑक्सुलेशन कौन सा रहता तो वो भी फर्स्ट ही रहता, मैं बताता हूं कैसे देखते हैं। ये देखो ये मीन पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है बेटा, यहां से यहां जाना 90, ये 90 180, मतलब पार्टिकल यहां है, अब यहां से कहां जा सकता बोला, यही जाएगा नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजिशन, और ये फर्स्ट ऑक्सुलेशन में है, अगर इसमें 2π एड रहता तो सेकंड ऑक्सुलेशन में रहता बेटा, 2π मतलब देखते ही एक है पाई बाय टू पाई, ये 3π/2 ये 2π हो गया एक ऑक्सुलेशन, अब ये दूसरे ऑक्सुलेशन में चला जाएगा, उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ रहा है। 90 रहता तो मैं सीधी बात नो बकवास करता हूं, मैं बताऊंगा ओरली यहां पे ये मेन पोजीशन है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है बेटा, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, 90 मतलब यहां, ये कौन सी बताओ, पहले पहले तो बताना है कि हमारा यहाँ पे पोजीशन तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, डायरेक्शन यहां से कहां जाएगा मीन पोजीशन की तरफ, कौन सा ऑक्सुलेशन फर्स्ट ऑक्सुलेशन बेटा, ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो, मैं यहां पे फटाफट बताऊंगा कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, मैंने आप लोगों को मीन पोजीशन के लिए ऑलरेडी इक्वेशन, सही इक्वेशन ये है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, अब ये फाइव जीरो होता है तो जीरो होने से मैंने इक्वेशन लिख के दिया था, ये शायद याद है आपको, ठीक है, इसका डेरिवेटिव मतलब वेलोसिटी, तो क्या होगा बेटा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, साइन का डेरिवेटिव कॉस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए ओमेगा आ गया, और एक्सेलरेशन में ए ओमेगा कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी, समझे, विथ रिस्पेक्ट टाइम ओमेगा है इसलिए ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों इक्वेशंस है बेटा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट साइन का कॉस कॉस का माइनस साइन, ठीक है। अब ये ग्राफ कैसे बनाते हैं तुरंत बता देता हूं बेटा, एक बात ध्यान रखना, जब भी ऐसा आ जाए तो साइन जब आता है तो पहले साइन जीरो की वैल्यू जीरो लिखना, एक अल्टरनेट देखो जीरो जीरो लिख दिया, यहीं तक ही लिखना, ये मत लिखो ठीक है, नहीं लिखा तो चलता, जीरो 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 लिख दिया। अब साइन के पहले क्या बेटा ए,
तो कौन सा है लेकिन पॉजिटिव ए, तो दूसरा ए माइनस आएगा, समझ में आ रहा है? ओके, एक हो गया ये। दूसरा एक साइन यहां दिख रहा है सर, साइन आया तो पहले इसमें जीरो 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 अल्टरनेट जीरो, स्टार्टिंग जीरो से करना है, समझ में आ रहा है? अब साइन के पहले माइनस ए ओमेगा स्क्वायर है तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, अब माइनस का क्या होगा जो बचा है उसमें प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। क्या आप समझ पा रहे हो बेटा? साइन जब आता है तो पहला जो भी डब्बा होगा उस डब्बे में जीरो डालना है, अल्टरनेट जीरो डालते जाओ। चलो अब कॉस रहा सर, कॉस के पहले जो भी आता है क्योंकि कॉस जीरो वन होता है तो इसलिए ए ओमेगा, जो भी ए ओमेगा इसी को माइनस करो बाद में और प्लस करो, लेकिन एक अल्टरनेट जो बचेगा उसमें जीरो लिखना है, बस खत्म किस्सा बेटा। समझ में आ रहा है? ये ग्राफ कैसे निकाले सर बता देता हूं, टेंशन मत लेना, देखते हैं। पहले देखना है पहला जीरो, देखो जीरो से एक मिनट दूसरा लेता हूं मार्कर, जीरो से ए की तरफ देखो, ऊपर ए होता है पॉजिटिव, ये जीरो ये माइनस ए, बात समझ में आ रही है? इसकी लाइन मार के लेना, इसकी भी लाइन मार के लेना, जीरो से ए की तरफ, ठीक है, ए से जीरो की तरफ, ए से जीरो की, ये जीरो की लाइन है ये बीच वाली, ये माइनस की ये प्लस, जीरो से माइनस की तरफ जाओ, माइनस की तरफ गए, माइनस से जीरो की तरफ जाओ, जीरो की तरफ गए। क्या आपकी बात समझ में आ रही है? ओमेगा टी बेटा, यहाँ पे हमारा पाई बाय टू था, ये पाई था, थ्री पाई बाय टू था और ये टू पाई, समझ में आ रहा है कैसे निकालते ग्राफ? चलिए मैं इसी ग्राफ के ऊपर फटाक से बताने वाला हूँ। पहले ए ओमेगा से स्टार्ट करो सर, कर दिया ए ओमेगा, वहाँ से जीरो जाओ सर, ये जीरो आ गया, जीरो से माइनस की तरफ जाओ, माइनस ये माइनस है, देखो यहाँ पे आपकी बुक ओपन करनी है, लेकिन जीरो पे जाओ जीरो गया, जीरो से प्लस की तरफ जाओ प्लस की तरफ, वहाँ से जीरो जाना था, आप समझ पा रहे हो? ओके, यहाँ जीरो से स्टार्ट करके माइनस की तरफ, देखो माइनस, बाद में जीरो, बाद में जीरो, बाद में प्लस है, प्लस है, बाद में जीरो, आप समझ पा रहे हो बेटा? कोई टेंशन तो नहीं है, सिंपल है ना क्वेश्चंस? ओके, सेम टू सेम अभी हम लोग इसका, हाँ ग्राफ में क्या क्या है, तो सर इसमें और इसमें 90 का फर्क है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी देखो, पूरा पॉजिटिव हाफ सर्कल दिख रहा है, या हाफ सर्कल का हाफ सर्कल ऊपर है इसलिए 90, इसमें और इसमें 90 वेलोसिटी एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड इसमें 180 का फर्क है। अभी वही कंडीशन है, बस अभी क्या बेटा एक्सट्रीम पोजिशन पे है, तो एक्सट्रीम पोजिशन पे फाइ इज इक्वल टू पाई बाई टू था, तो हमारे पास इक्वेशन ओरिजिनल है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ, चलो एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, क्या होता है मैंने निकाल के दिया था ए कॉस ओमेगा टी, करेक्ट बेटा? डिस्प्लेसमेंट, चलो वेलोसिटी डेरिवेटिव बनाओ, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, समझे? कॉस का डेरिवेटिव माइनस विथ रिस्पेक्ट टाइम, इसलिए ओमेगा आ गया, अब कॉस साइन का कॉस होता है तो एक्सेलरेशन आएगा, माइनस ए ओमेगा साइन का कॉस ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टाइम, इसलिए स्क्वायर आ गया। क्या समझ रहे हो? कोई टेंशन तो नहीं है, बढ़ना आगे। ओके चलो, तो सिंपल सी बात है, यहां पे दोबारा वही, जहां कॉस दिखे, जहां कॉस दिखता है बच्चों, कॉस है तो पहला जो भी आंकड़ा होगा, कॉस के पहले ए है, चलो चलो ए लिखो, एक डब्बा छोड़ के माइनस है, बाद में प्लस है, समझे? जो बचा इसमें अंदर जीरो डालो, जीरो 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 डाल दिया, डाल दिया बेटा, ठीक है, ये हो गया। अभी आप कॉस वाले की तरफ जाओ, माइनस ए ओमेगा, क्योंकि पता है ना बाद में प्लस ए ओमेगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, जो ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा जो भी है प्लस ए माइनस से चेक करना, बस बचे वाला जीरो लिखो, जीरो लिख दिया, अब साइन है तो जीरो से स्टार्ट करोगे, एक एक अल्टरनेट लिख दिया, अब इसके पहले क्या है, माइनस ए ओमेगा है तो यहां प्लस ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा आएगा, बस ग्राफ सेम टू सेम वैसे ही निकालना मैंने जैसे बताया, ठीक है ना? अब इसका बता सकते हो कि इसमें क्या क्या है, कोई किसका, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन कोसाइन है, वेलोसिटी का साइन वेवफॉर्म है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में 90 का फर्क है पाई बाय 2 का, वेलोसिटी एक्सेलरेशन पाई बाय 2 का है, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन में 180 का, एकदम उल्टा ग्राफ है, तो ये पता होना चाहिए, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द कॉम्पोजिशन ऑफ टू SHM, कैसे लिखना है, दो इक्वेशन से हमारे पास फटाक से लिखेंगे, तो x1 इज इक्वल टू a1 साइन, ध्यान रखना ओमेगा टी प्लस फाइव वन, करेक्ट है? दूसरा इक्वेशन है a2 साइन, है ना, ओमेगा टी प्लस फाइव टू,
बेटा इसको ऐड करना, डिस्प्लेसमेंट को ऐड करो, दो व्यूज आ रही थी, दोनों की इक्वेशन थी, एक्स इज इक्वल टू ए साइन, थोड़ा लंबा है बाकी कुछ नहीं, मेरे ऊपर ध्यान दोगे तो हो जाएगा, प्लस है ना ए वन, ये ए टू है बेटा साइन ओमेगा टी प्लस फाई टू। शायद आपको साइन ए प्लस बी का फार्मूला पता है तो लिख देना साइन ए प्लस बी, क्या फार्मूला बेटा साइन ए साइन बी, सॉरी साइन ए कॉस बी, चलिए कॉस बी कॉस ए साइन बी है ना। चलिए पुटअप करते यक्स इज इक्वल टू फटाफट यहां पे ए वन, देखो पहले इसको सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान रखना साइन ओमेगा टी कॉस फाइव वन, ए वन कॉमन है इसलिए यहां पे भी लिखना पड़ेगा कॉस, क्या हो रहा है भाई बहुत ज्यादा, ए वन कॉस ओमेगा टी साइन फाइव वन। बेटा अभी हम लोग अलग टर्म ले रहे, इस टर्म को उठा रहे, तो प्लस ए टू ठीक है साइन ओमेगा टी कॉस, अभी फाइव टू ए टू कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, समझ में आ रहा है, मुझे लगता है साइन साइन को कॉमन निकालो, कॉस कॉस को कॉमन निकालो, तो यक्स इज इक्वल टू हम लोग एक काम करते हैं ए वन कॉस फाइव वन और ये ए टू कॉस फाइव टू, दिख रहा है यहाँ बचा है मेरे पास साइन ओमेगा टी बेटा ठीक है, प्लस यहाँ पे भी ए वन साइन फाइव वन, इसको कॉमन निकाल रहा हूँ, देखो ओमेगा टी को यहाँ पे ए टू ये फाइव वन है साइन फाइव टू है बेटा और यहाँ कॉस ओमेगा टी, इसके जगह पे कुछ लिखने वाला हूँ ध्यान से देखना बच्चों, ए वन कॉस फाइव वन ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन रहेगा आपके लिए, ए टू कॉस फाइव टू और ए वन साइन फाइव वन, ए टू साइन फाइव टू होगा, ध्यान रखना बच्चों ए वन ए टू एम्पलीट्यूड इसलिए आर लिखा है, कॉस है इसलिए कॉस लिखा है, फाइव वन फाइव टू एंगल इसलिए डेल लिखा है, यहाँ पे भी ए वन ए टू साइन टर्म इसलिए साइन डेल लिखा है, इक्वेशन वन और टू मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए, ध्यान रखना बाद में मत बोलो कि सर पता नहीं है। चलिए इस ऊपर के इक्वेशन में डालो तो फील आता होगा आपको शायद शायद आर कॉस डेल और ये साइन ओमेगा टी ठीक है प्लस आर साइन डेल ठीक है ना, तो बचा क्या कॉस ओमेगा टी, किसका फील आ रहा है बेटा यहां पे, मुझे लग रहा है कि इसका जो फील है बेटा ये इसका फील आर इज क्या हो रहा है भाई एक्स इज इक्वल टू आर, ये फील आ रहा है क्या, एक मिनट बच्चा पार्टी थोड़ा सा गंदा हो रहा है, इसको सबको मिटा देता हूं आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा एक खाता दो सेकंड चला जाएगा क्या करें, तो देखते हैं यहां पे ये फील आ रहा है बेटा एक्स इज इक्वल टू ए आर, ऐसा फील आ रहा है कि सर ये साइन ओमेगा टी प्लस डेल का फार्मूला है, मुझे फील आ रहा है कैसे देखते साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये लग रहा है ना फार्मूला ओके, हम लोगों को मकसद ये बेटा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है, तो इसीलिए इक्वेशन है ना इक्वेशन वन एंड टू क्या कर सकता हूं एडी एंड स्क्वेरिंग है ना, एडिंग एंड स्क्वेरिंग करता हूं, चलिए तो कर देते हैं देखते हैं, पहले दूसरे इक्वेशन को कर रहा हूं आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर डेल आर स्क्वेयर है ना कॉस स्क्वेयर डेल ओके, चलो अब इसको भी करना पड़ेगा तो मैं कर रहा हूं ए वन प्लस ए एक मिनट ए वन है एक मिनट क्या है बेटा ए वन साइन फाइव वन हाँ ए वन साइन फाइव वन ए टू साइन फाइव टू इनका स्क्वायर और यहां पे अभी ए वन कॉस फाइव वन ए टू कॉस फाइव टू का स्क्वायर ठीक है ओके चलिए, तो इसका तो ओनली आर स्क्वायर मिलेगा पता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, चलो तो इसको कैसे लिखोगे ध्यान से देखना बेटा ए वन स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव वन, इसको भी ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव टू प्लस टू ए वन ए टू साइन फाइव वन साइन फाइव टू,
ठीक है। अब दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करते, चलिए ए वन स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाइव वन, ए टू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाइव टू, टू ए वन ए टू कॉस फाइव वन कॉस फाइव टू, समझ में आ रहा है? शायद सेम वाली टर्म को हम लोग उठा सकते हैं, शायद। देखो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा बोल सकता हूं, साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा, लेकिन फाइव वन चाहिए, फाइव टू ही चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे आर स्क्वेयर, इसको लिख सकता हूं ए वन स्क्वेयर ए टू स्क्वेयर, क्यों ए वन स्क्वेयर कॉमन निकाल के ए टू स्क्वेयर कॉमन निकालते, और इसका फार्मूला टू ए वन ए टू कॉस यहां पे फाइव वन माइनस फाइव टू। बेटा कॉस ए माइनस बी का फार्मूला है, साइन ए साइन बी, ए किसको बोला है फाइव वन को, बी किसको बोला फाइव टू, साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी का फार्मूला है, ठीक है। तो ये मिला है मुझे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, क्या आप समझ पा रहे बेटा? ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर टू ए वन ए टू कॉस यहाँ पे फाइव वन माइनस फाइव टू, ओके कोई टेंशन। अब इसके कंडीशन रख सकते हो, अगर आपको कभी कभी ये फाइव वन फाइव टू जो एंगल है बेटा फाइव वन फाइव टू जीरो रखो, नाइन्टी रखो, पाई बाई टू है ना, पाई रखो, ये रख के देख सकते हो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना मिलेगा। आप मुझे इक्वेशन वन टू और वन को ऐड करके सॉरी डिवाइड करके इसका डायरेक्शन भी दिखा सकता हूँ। इसका मतलब यह बेटा एक पार्टिकल ये वेव्स आ रही दबा रही नीचे, ये दूसरी आ रही आई से, तो ये पार्टिकल ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कितना गया ऊपर तो कितना जाएगा, तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है इसका ऑक्सीलेशन करने वाला पार्टिकल। अभी इसका डायरेक्शन फिर इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा इधर, वो भी तो दिखाना जरूरी है, तो इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड बेटा आर साइन डेल डिवाइड बाय आर कॉस डेल, तो ये तो पता ही होता है ए वन साइन फाइव वन ए टू साइन फाइव टू है ना, डिवाइड बाय ए वन कॉस फाइव वन ए टू कॉस फाइव टू, समझ पा रहे बेटा? आर से आर को कैंसिल करो, साइन बाय कॉस होता है टैन, तो मैं टैन थीटा है ना, टैन थीटा या टैन डेल डेल, ये टैन इनवर्स इधर लेके जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? साइन बाय कॉस टैन डेल, लेकिन डेल को इधर रखा मैंने, टैन इनवर्स हो जाएगा इधर जाने के बाद, तो बचा क्या है ई वन साइन फाइव वन ए टू साइन फाइव टू डिवाइड बाय ए वन कॉस फाइव वन ए टू कॉस फाइव टू, समझ में आ रहा है बेटा? ये मुझे डेल मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मान के चलता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है बेटा। ये केसेस रखनी है तो रख सकते हैं हम लोग, टोटल एनर्जी निकालेंगे, पार्टिकल कोई एसएचएम कर रहा है तो आपको पता है, मैं इसमें दो मेथड है, एक साइन कोसाइन के फंक्शन में और एक टाइम वेरिएशंस के फंक्शन में, टाइम नहीं है मैं बोल सकता हूं मैं, तो फटाफट मैं यहां पे निकाल के देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास वेलोसिटी, पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो वेलोसिटी होती है बेटा ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बताओ भाई, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी निकालनी तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है, तो यहाँ पे होगी वन बाय टू यम वी स्क्वायर, तो वन बाय टू यम वी का मतलब ओमेगा स्क्वायर बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सही है बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, बेटा शायद आपको ओमेगा स्क्वायर डिफरेंशियल इक्वेशन के बाई एम याद आता होगा, तो के इज इक्वल टू यम ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू भी पुटअप कर सकते थे, वी की वैल्यू शायद आपको ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई ये पता होना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम मेन पोजिशन से कर रहा है, तो मैं ये नहीं लिख रहा हूँ, आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं बेटा यहाँ पे हमारे पास लीनियर एसएचएम जब कर रहा है तब स्प्रिंग हो तो ये इक्वेशन लगाते, और वर्क डन जो है बेटा वो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अपोजिट डायरेक्टेड में है, मैं लगाऊंगा डिस्प्लेसमेंट इधर तो फोर्स इधर लगता है, तो ये भी माइनस है, तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एफ की वैल्यू है माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, तो वर्क डन इज इक्वल टू बेटा के एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन रख देते, इसका वर्क ये है ये के है, और एक्स इंटू डी एक्स का एक्स स्क्वायर बाय टू है बेटा, तो वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी तो वन बाय टू के एक्स स्क्वायर। मुझे लगता है टोटल एनर्जी हमारे पास मिल सकती है अभी, तो टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या बेटा वन बाय टू के
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1/2 के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 1/2 के बचा है मेरे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये टोटल एनर्जी यहाँ पे 1/2 एक्स कैंसिल बेटा के ए स्क्वायर, यही टोटल एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। ओके, एक ग्राफ होगा बेटा, जो कि ग्राफ यहाँ पे वेलोसिटी का एक ग्राफ है, वो निकाल सकते हैं। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन है हमारे पास, ये है 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मान लेते हैं कि पहले एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब मीन पोजिशन बोलते हैं इसको, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होगा बेटा 1/2 के ए स्क्वायर होगा, समझ में आ रहा है। अगर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए रखोगे सेकंड कंडीशन में, तो यहां पे 1/2 के यहां पे ए स्क्वायर, यहां पे भी ए में से ए गया, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो भी मिलेगी। क्या आप समझ पा रहे हो बच्चा, समझ पा रहे हो? ओके, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन, जैसे कि यहां पे भी एक्सट्रीम पोजीशन है लेकिन ये निगेटिव बेटा, ये मीन पोजिशन एक्स इज इक्वल टू जीरो, और ये एक्सट्रीम पोजिशन है पॉजिटिव। तो अगर मुझे यहां पे काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ निकालना है, तो देखते हैं यहां पे एक्स इज इक्वल टू पे जीरो था तब मैक्सिमम एनर्जी थी, यहां पॉइंट लिया मैंने, और जब इधर रखा तो भी जीरो, इधर पॉजिटिव या निगेटिव, तो इसलिए इसका ग्राफ ऐसा मिला बेटा, ऐसा। समझ में आ रहा है काइनेटिक एनर्जी का? सेम टू सेम पोटेंशियल एनर्जी का भी ग्राफ निकाल सकते हैं, यहां पे 1/2 के एक्स स्क्वायर है, तो x इज इक्वल टू जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a रहा तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी 1/2 के a के जगह पे a स्क्वायर, समझ पा रहे हो? जब यहां देखोगे यहां तो मैक्सिमम एनर्जी मिल रही, देखो इधर, और यहां पे भी ये, तो इसीलिए, और मीन पोजीशन पे पोटेंशियल जीरो, इसलिए इसका ग्राफ ऐसे मिला। और ये ग्राफ बच्चों को क्या लगता है मालूम है, कहां मीट होगा? ऐसा लगता है, फील होता है कि एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू हाफ एम्पलीट्यूड पे, मतलब अगर कोई पार्टिकल ऑक्सोलेट कर रहा है, तो किसी ने पूछा कि भाई दोनों एनर्जी इक्वल कब होगी, काइनेटिक और पोटेंशियल, तो बच्चे को लगता है कि एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू पे नहीं होती है, वो कहां होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पे अगर रखोगे तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला में रखो, तो 1/2 के ए स्क्वायर, देखो ये ए स्क्वायर डिवाइड बाय 4, एक्स की वैल्यू पुट अप की मैंने, समझ में आ रहा है? तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के, ये होगा 3a² आता है ना बेटा, ये 4 में से गया, तो शायद आप लोगों को 3/4 1/2 काइनेटिक एनर्जी, तो ये टोटल एनर्जी का फार्मूला मिल रहा, तो इतना होता बेटा ये काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रखना, ठीक है। अगर किसी को लगता ही है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी रखते देखते हैं कहाँ मिलेगी, दोनों एनर्जी इक्वल कहाँ मिलेगी, इसका फार्मूला बेटा 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 1/2 के एक्स स्क्वायर, तो 1/2 के गेट भी कैंसल, तो ए स्क्वायर जानते होंगे एक्स स्क्वायर ये माइनस का होगा इधर जाके प्लस, तो ए स्क्वायर ये 2x², तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2, तो एक्स इज इक्वल टू ए बाय 2, तो ये एक्स मिली है, समझ में आ रहा है? सिंपल है, थोड़ा फास्ट हो रहा है मुझे भी पता है, लेकिन ये शॉर्ट रिवीजन है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है, ये शॉर्ट रिवीजन है, सिंपल पेंडुलम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छी तरह से करके जाना, मैं भी इसका भी शॉर्टकट बताऊंगा आपको, डेफिनेशन दी वाले मैंने यहाँ पे कि हेवी पार्टिकल सस्पेंडेड बाय द लाइट वेन इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, प्रैक्टिकल भी होती है, वेटलेस दुनिया में मासलेस कोई चीज नहीं होती, इसलिए मैंने लिखा स्मॉल हीवी स्पेयर सस्पेंडेड लाइट वेट लिखा, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, बस वही यहाँ पे मैं आप लोगों को क्वेश्चंस यहाँ पे करवा के दे रहा हूँ, देखते हैं, ये स्ट्रिंग थी, इसका मास ये है बच्चों, ये है, इसका एंगल बहुत छोटा होना चाहिए, थीटा ऐसा माना जाता है कि 10 डिग्री से कम होना चाहिए। अब मास है तो वेट है भैया, दुनिया में मास है तो वेट है, तो एक कंपोनेंट इधर होगा यम जी, लेकिन ये एंगल थीटा तो ये थीटा तो ये कॉस थीटा, जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा बेटा, ये एक्स डिस्प्लेसमेंट कर रहा है मेरा पार्टिकल है ना, और ये एक कंपोनेंट इधर होगा जिसको यम जी साइन थीटा, रेस्टोरिंग रेस्ट पे आने के लिए जो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है उसी का नाम यम जी साइन थीटा है, समझे बच्चों? तो एफ इज इक्वल टू माइनस यम जी साइन थीटा, ये समझ में आना चाहिए, माइनस क्यों बेटा? रेस्टोरिंग फोर्स है, मेरा डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा था और रेस्टोरिंग फोर्स अंदर था, तो चलिए
तो साइन थीटा, ये थीटा मैंने पहले ही बोल के रखा है, बहुत छोटा थीटा है बेटा, तो एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी थीटा। थीटा क्या होता है बेटा? थीटा होता है आर्क लेंथ, है ना, बेसिक फार्मूला है, नहीं ये याद कर लो, आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। तो आर्क लेंथ क्या बेटा? आर्क लेंथ बेटा एक्स डिवाइडेड बाय रेडियस, एक्स आर्क लेंथ एक्स, रेडियस एल बोलना पड़ेगा, एल सॉरी एल, मैंने यहाँ पे नहीं लिखी लेकिन लिख के देता हूँ, टेंशन मत लेना। देखते बेटा ये जो ना ये एल है, ये घूम रहा है, और ये लेंथ है, ये टेंशन भी आता है, ठीक है ना। चलिए पुटअप करता हूँ, एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स अपॉन एल। न्यूटन्स का लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए एम जी एक्स अपॉन एल, एम से एम को कटवा दो, ए बाई एक्स माइनस जी बाई एल, समझ रहे बच्चों? ओके, मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ ए बाई एक्स, और ये दोनों को रूट में भी लिखूंगा जी बाई एल। शायद अभी अभी गर्मा गर्म फार्मूला था, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, इसी को ओमेगा कहते हैं, और ये जी बाई एल। मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड के फॉर्म मतलब माइनस का प्लस लिखा है, मुझे पीरियड निकालना, ये मेरा टारगेट बेटा। पीरियड का फार्मूला होता है टू पाई अपॉन ओमेगा, तो टी टू पाई ओमेगा की वैल्यू बेटा जी बाई एल, डिवाइड का डिवाइड पता है ना आपको, ये टू पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी, दिस इज द पीरियड। और फ्रीक्वेंसी उल्टा कर दो, फ्रीक्वेंसी अगर कहीं भी पूछेंगे तो उल्टा रहता है, मतलब 1 बाई टू पाई रूट ऑफ जी बाई एल। ओके, समझ में आ रहा है आपको? आगे बढ़ते बच्चों, हाँ ये कुछ कंडीशंस है उसके लिए, आप लोगों को एम्पलीट्यूड ऑक्सिली वेरी स्मॉल होना चाहिए, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लार्ज, लेंथ बड़ी होनी चाहिए ड्यूरिंग द ऑक्सिलेशन, है ना, सिंगल वर्टिकल मोशन, फ्रीक्वेंसी ये फार्मूला दिया है मैंने, कुछ कंडीशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट। सेकंड पेंडुलम मतलब जिसका पीरियड 2 सेकंड का हो, डेफिनेशन में वही लिखा है 2 सेकंड, हमारे पास फार्मूला है 2, है ना, एल बाय जी, करेक्ट है बेटा, तो यस लिखो, तो ये 2 पाई रूट ऑफ एल बाय जी, तो 2 पाई कैंसिल, तो 1 का 1 स्क्वायर, स्क्वेयरिंग कर रहा हूँ, एल एस अपॉन जी, मुझे एल एस निकालना है बेटा, तो ये जी अपॉन पाई स्क्वायर, समझ में आ रहा है? लेंथ ऑफ सिग्नल डिस्टिंग्विश बिटवीन, अच्छी तरह से करो, ये बेटा हॉरिजेंटल सर्कल में मूव होता है, ये वर्टिकल सर्कल में मूव होता है, इनका फार्मूला, बस 2 पॉइंट भी बताओगे तो भी चलेगा। आगे देखते हैं बच्चों, एंगुलर SHM, आपको क्या करना है, डिस्क लेना है, धागे को बांधना है, उसको गोल घुमाओ, जैसे गोल घुमाओगे वैसे वो रेस्टोरिंग टॉर्क लाता है, रेस्टोरिंग टॉर्क समझते हो ना आप लोग, रेस्टोरिंग टॉर्क लगाता है, मतलब जितना घुमाओगे उतना रेस्टोरिंग टॉर्क ज़्यादा। तो आप लोगों को सभी को पता है रेस्टोरिंग टॉर्क की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा, बट डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्ट, जैसे पहले स्प्रिंग थी तो स्प्रिंग के टाइम पे एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स लिखा, अब एक्स के जगह पे थीटा होता है, एफ के जगह पे टॉर्क होता है, सही है, तो ये टॉर्क इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे सी थीटा लिखते हैं, लेकिन टॉर्क, बट पता हमको टॉर्क का फार्मूला होता है बेटा आई अल्फा, ये पहले चैप्टर का फार्मूला है, तो ये टॉर्क है डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, है ना, लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, करेक्ट है टॉर्क का फार्मूला ऐसे, तो पुटअप कर रहा हूँ बेटा, आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस सी इंटू थीटा, व्हाट इट, डिफरेंशियल इक्वेशन ही लिखना है तो ये तो ऐसे ही लिखते, अब वो लिखने के ऊपर डिपेंड है, ऐसा बुक का ही लिखना कोई जरूरत नहीं है, माइनस का प्लस होगा सी थीटा इज इक्वल टू जीरो, यदि आपको ऐसे भी लिखना है डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन आई इंटू थीटा इज इक्वल टू जीरो, एक ही बात है बेटा, एक ही बात है, टेंशन मत लेना, यही आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM बनेगा, ठीक है ना। बस यहाँ पे पीरियड का जो फार्मूला होता है इसके लिए 2 पाई अपॉन ओमेगा, सेम फार्मूला लिखने वाला हो, बट ध्यान रखना वहाँ लीनियर SHM था, इसलिए एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे भी है एंगुलर, बस क्या लगाओगे, एंगुलर, है ना, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ध्यान रखना, एंगुलर लिखना है। हो गया खत्म चैप्टर नियर अबाउटली, बस यहाँ पे हमारे पास अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई मैग्नेट रखो तो मैग्नेट वाइब्रेट करता है ऐसे ऐसे, और वो वहाँ पे रोटेट करता है, मतलब टॉर्क लगता है, और वो जो टॉर्क होता है बेटा वो होता है म्यू बी साइन थीटा, शायद आपने ये फार्मूला कहीं ना कहीं तो सीखा ही होगा, उम्मीद कर रहा हूँ, और आगे
बढ़ रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना ये रेस्टोरिंग टॉर्क है बेटा, तो इसलिए माइनस म्यू बी थीटा। सर ये साइन थीटा का है, ये साइन थीटा छोटा सा थीटा होता है, मैंने पहले ही बोला आपको ये थीटा कम लेना है, लेकिन टॉर्क क्या है बेटा, आई इंटू अल्फा माइनस म्यू बी थीटा। मुझे एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट पीरियड निकालना है, तो अल्फा ये थीटा को इधर लाते हैं बेटा, ये माइनस म्यू बी अपॉन आई होगा। अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड, चलो एक स्टेप बढ़ा ही देता हूं, तकलीफ नहीं होना चाहिए, चलिए तो मैं काम कर रहा हूं बेटा अभी मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड फॉर्म में, मतलब प्लस में लिखना है, ये भी म्यू बी अपॉन आई बेटा, ये तो ओमेगा है, एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट म्यू बी, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं, लिख के बोला है हमने अभी, तो चलिए टी इज इक्वल टू टू पाई रूट ऑफ, सॉरी पहले ओमेगा लिखते बाद में पुट अप करता हूं, अभी लिखो म्यू बी अपॉन आई, तो टी इज इक्वल टू टू पाई रूट ऑफ आई डिवाइड बाई म्यू बी, दिस इज द पीरियड ऑफ, है ना, यहाँ पे जो भी मैग्नेट कर रहा है हाइब्रिड इसका। और लास्ट और फास्ट देखते बच्चों, इसमें दो फोर्सेस है, एक डैम्पिंग फोर्स है, यहाँ पे नीचे एक वेन लगा दी, ब्लेड लगा दो पानी में जैसे ऊपर नीचे, एक ब्लॉक लगा दो, स्प्रिंग, स्प्रिंग का फोर्स कॉन्स्टेंट के एक्स है पता है आपको, इसका जो है उसको डैम्पिंग मतलब ऑक्सीलेशन कम 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 होते रहेगा क्योंकि वो अपोज कर रहा है, तो इसलिए बेटा डैम्पिंग फोर्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी बट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये डैम्पिंग फोर्स है बेटा, ये होगा माइनस बी वी, और जो एक स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है जो पता है के एक्स है बेटा, ठीक है, 5 मिनट ओनली 5 मिनट के एक्स है बेटा, बात समझ में आ रही है, तो रिजल्ट कितना फोर्स लगेगा इसके ऊपर, ओके, तो एफ नेट यहाँ पे हम लोगों को लगेगा बेटा डैम्पिंग फोर्स और दूसरा लगेगा स्प्रिंग फोर्स, तो ये होगा बेटा एम ए, ये डैम्पिंग फोर्स है बी वी और ये माइनस के एक्स है, चलिए हम लोग इसको इधर लाते हैं, तो एम ए माइनस का प्लस बी वी ये भी के एक्स इज इक्वल टू जीरो, शायद एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर पता है ना, ये भी ये वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव और ये प्लस के एक्स इज इक्वल टू जीरो। बस बच्चों ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये है हमारे लिए डैम्पिंग के लिए, उसी का मॉडर्न वर्जन निकाल के दिया है, मैं वो लिखने वाला नहीं हूँ, लिख के देना है तो लिख सकते, ये क्या बोलना मैं भाई, ये याद ही करना आपको है ना कॉस, ठीक है, ये तो टाइम का भी इक्वेशंस निकाल सकते हो, ओमेगा की वैल्यू क्या है तो रूट ऑफ के बाई एक्स है ना माइनस टू एम बाई बी कुछ तो है, देख लेना, अब मैंने इतना बी बाई टू एम है, बी बाई उल्टा लिखा है मैंने, बस बी बाई टू एम, बस इसी का पीरियड निकाल दो, बी बाई टू एम है, ठीक है, ये है मेरा बी बाई टू एम स्क्वायर, बस पीरियड इज इक्वल टू टू पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू डालो, ऐसा चैप्टर खत्म किया। अगर अच्छा लगा तो शेयर करो ना बच्चों, शेयर करो, देखो थोड़ा सा बच्चों को भेजो, इससे एनर्जी मिलेगी। मैंने वन शॉट कुछ बना दिया ऐसे शॉर्ट रिविजन, मुझे लगता है कि एसी सर्किट का बनाया, करंट इलेक्ट्रिसिटी का बनाया, मैग्नेटिक मटेरियल का बनाया, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं है तो भैया एनर्जी डाउन हो जाएगी, तो शेयर इतना करो कि हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए। चलो बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।